मध्य प्रदेश में हाल ही में जारी बारिश का सिलसिला थमने लगा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को राहत दी थी, लेकिन अब मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। फिलहाल मानसून का कोई एक्टिव सिस्टम न होने की वजह से बारिश की संभावनाएं कम हो गई हैं। बारिश के थमने के बाद धूप निकल आई है, जिससे दिन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। खासकर जबलपुर, इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति जारी रह सकती है। इस समय दिन में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गर्मी और उमस के बढ़ने से प्रदेश के निवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून का एक नया सिस्टम बन सकता है, जिससे हल्की बारिश की उम्मीद की जा सकती है। विशेषकर नर्मदापुरम, बैतूल और बुरहानपुर में शनिवार को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा खरगोन, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुर्ना जैसे जिलों में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। शुक्रवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें छिंदवाड़ा में 6 मिमी और मंडला में 3 मिमी बारिश हुई। जावरा में 62 मिमी, मल्हारगढ़ में 40 मिमी और सिंधवा में 26 मिमी बारिश हुई थी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हाल के दिनों में बारिश ने कुछ क्षेत्रों में राहत पहुंचाई थी। हालांकि अब मौसम की स्थिति बदल रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम की स्थिति को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। द्वितीया, भिंड, श्योपुर कलां, सीधी, रीवा, मऊगंज, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, टीकमगढ़, निवाड़ी और बड़वानी में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इस समय मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति परिवर्तनशील बनी हुई है। जहाँ एक तरफ बारिश ने कुछ राहत दी, वहीं अब बढ़ती गर्मी और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों के लिए ये चिंता का विषय है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फसलें बारिश पर निर्भर करती हैं। मौसम विभाग की नज़रें अभी भी नए सिस्टम पर हैं, जिससे आगे चलकर हल्की बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसे में सभी को चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मौसम के अनुसार सही उपाय करें, जैसे कि पानी का पर्याप्त सेवन करना और धूप से बचना।